एक्सक्यूज मी सर, जी सर मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, करे शुरू पढ़ाई बच्चों। तो ऐसा है जी, कल हमने ये बेसिक किए थे, आज हम अब इसको डिराइव करेंगे। एक रिंग ले लेते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है जी। रेडियस आर की मान लेते हैं हम, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं एक्स दूरी पर पी बिंदु पर। तो बाय रूल तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि कूलम लॉ सिर्फ बिंदु चार्जेस पे लगता है, पर अब हमें करना है काम तो वो करेंगे ही किसी तरह। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे डीएल लेंथ का, ये बिंदु चार्ज बन गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ जाएगा डीई। एक यहां लेंगे छोटा सा एलिमेंट सेम डीएल लेंथ का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आ जाएगा डीई। ये एंगल और ये एंगल थीटा मान लें, तो हमें पता है इनके जो कॉस कॉम्पोनेंट है वो तो करेंगे सर्वाइव, ठीक है, जबकि जो इनके साइन कॉम्पोनेंट है ये कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ DE cos component की वजह से आएगा। DE को लिख के DQ, DQ आएगा lambda DL, ठीक है, ये वाली दूरी पाइथागोरस से निकलेगी, तो इसका स्केयर करेंगे तो रूट हट जाएगा, cos होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, और जीरो से टू पाई आर तक इसको इंटीग्रेट कर दे तो डीएल की इंटीग्रेशन टू पाई आर आ जाएगी लिमिट लगाने के बाद, और लैम्डा इनटू टू पाई आर क्यू होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। डेरिवेशन दिखा देता हूं ताकि थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब इसके नोट्स, इसके ऊपर 7 वेराइटी के सवाल आते हैं, वो यहां देखे जाए, ठीक है, एक एक करके सारे वैरायटी देख लेते हैं, फिर गोला लगाना आसान हो जाता है, पता होता है ये वैरायटी कराई है तो इस पे गोला मारना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया है फील्ड का, पर अब क्योंकि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन ही सबसे पहले सोचनी पड़ेगी। डायरेक्शन आपको दिख ही रही है, इस तरफ को आई है डीई कॉस, यानी कि अगर रिंग पॉजिटिव चार्ज है तो भैया फील्ड रिंग से अवे की तरफ आया और अलोंग द एक्सिस आया, जितना मर्जी देख लो, मतलब आगे देखो तो आगे की तरफ आएगा, पीछे देखो पीछे की तरफ आएगा। अगर यही रिंग नेगेटिव हो जाती तो अकॉर्डिंगली फील्ड इनवर्ड आ जाता उल्टा, क्योंकि पॉजिटिव का फील्ड अपने से अवे होता है, नेगेटिव का अपने टूवर्ड होता है, कल सिखाया था ये बात, ठीक है। अब नोट्स में शुरू करने जा रहे हैं, जस्लीन ने हैंड रेज किया, बताएं जस्लीन। सर जो पिछली स्लाइड है वो दिखाई, हाँ, इसमें ये डीई कॉस थीटा लिखा है, यहाँ पे टू डीई कॉस थीटा नहीं आएगा। बेटा फिर आप टू लिखोगे तो मैंने लिमिट जीरो से टू पाई आर लिखी है, आप लिमिट लगाओगे जीरो से पाई आर, एक ही बात हो जाएगी फिर, ठीक है, ओके सर। हाँ जी, अच्छा जी, अब सबसे पहले हम एक्स को डालते हैं जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जीरो, मतलब कि रिंग के सेंटर पे फील्ड नहीं होता, ये बात हमें पता लग गई, कॉमन सेंस भी थी क्योंकि रिंग के सेंटर पे हर तरफ से फील्ड बराबर आ रहा है, तो नेट आंसर जीरो आना ही था, कोई शक की बात नहीं है, है ना। फिर आता है अगर रिंग का एक टुकड़ा काट दे, छोटा सा डीएल टुकड़ा काट दे, राइट, तो अब सेंटर पे फील्ड कितना होगा वो बताया जाए, ठीक है जी, मतलब ई एट ओ बताना है। ऐसे में क्या करो, स्मार्ट हो जाओ आप, इसको ना ऐसा कर लो कि यहां पर
प्लस डीएल और माइनस डीएल के दो टुकड़े डाल दो। अब प्लस डीएल और माइनस डीएल के दो टुकड़े डालने से क्या होगा, एक रिंग तो कंप्लीट हो जाएगी और कंप्लीट रिंग का आंसर सेंटर पे जीरो है पता है हमें, तो यानी कि उसका आंसर जीरो हो गया। बाकी बची है जो छोटा सा एलिमेंट आया माइनस डीएल वाला, तो उसकी वजह से फील्ड अपनी तरफ आ जाएगा और फॉर्मूला क्या लगेगा, के लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो टुवर्ड्स ये स्लिट कहेंगे इसको इंग्लिश में, स्लिट की तरफ ही आ गया। ठीक है साक्षी कुमारी, गल समझा गई? यस सर। अब अगर हम देखें एट एक्स मच मोर देन आर, मतलब हम रिंग से काफी दूर निकल गए, तो जो फॉर्मूला है ई का, आप इसमें क्या करें, एक्स क्योंकि आर से काफी बड़ा है तो आर को निग्लेक्ट कर दें, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर थ्री बाय टू, ए टू और टू कटेगा, एक्स क्यूब ऊपर वाला एक्स एक्स क्यूब से कटेगा, आंसर आएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि पॉइंट चार्ज का आंसर आ गया रिंग से जब हम बहुत दूर निकल गए। उसके बाद अगला ज्ञान हमसे कोई कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां होगा, भैया उसके लिए डीई बाय डी एक्स जीरो होना चाहिए, तो मैथ स्किप कर रहा हूं आयुषी ठाकुर, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं एक्स का आंसर आता है प्लस माइनस आर बाय रूट टू पे, मैक्सिमम फील्ड कहां होगा वो मैंने बता दिया। अब कार्तिक अगर एग्जाम में आ जाए मैक्सिमम फील्ड कितना होगा तो क्या करोगे, यही फॉर्मूला में एक्स की वैल्यू डाल लो। ठीक है कार्तिक है? और अब अगर हम इसी बात को ग्राफिकली प्लॉट करें कि हाउ डज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज, ठीक है ये बात हम ग्राफिकली प्लॉट करने जा रहे हैं। अरे एक मिनट बच्चों पॉज लेना पड़ेगा, जानवी स्वयं क्लास में आ गई है हमारे बीच टाइम निकाल कर, प्लीज वेलकम जानवी। जानवी जी आपका तहे दिल से स्वागत है, आपने हमारी क्लास में आकर हमें सम्मान बख्शा। शायद जानवी जी हमें सुन नहीं पा रही हैं। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा अच्छा ठीक है जी, तब भी आप स्वयं क्लास में आए, ठीक है बहुत अच्छा लगा हमें, ये बच्चों की हौसला अफजाई हुई, बच्चों को लगा कि हाँ क्लास लगाने को फायदा है, वैल्यूएबल है क्लास। ठीक है जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि तमन्ना जी तो थी ही क्लास में, जानवी जी भी आ गई हैं, तो मतलब कि किसे हम कहते हैं कि सोने पे सुहागा, आज की क्लास की मतलब एक सेल्फी होनी चाहिए सबकी बच्चों की। ठीक है जी पानी पी लूं भाई। सर आपने यहाँ पॉइंट चार्ज क्यों लिखा है थर्ड पॉइंट में, कि रिंग जब रिंग से बहुत दूर चले जाते हो तो बिहेव करती है पॉइंट चार्ज की तरह, रिंग ही पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है फिर। हाँ पॉइंट चार्ज को ना बिंदु, जब आप रिंग से बहुत दूर चले गए तो रिंग आपके लिए बिंदु जैसा बिहेव कर जाती है। ठीक है ठीक है, उसका साइज मैटर नहीं करता ना जब आप बहुत दूर निकल जाते हो जी। ठीक है जी सर, सेकंड पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दो एक बार। सेकंड पॉइंट में रिंग में हमने छोटा सा एक स्लिट काटा है, तो मतलब पूरी रिंग का फील्ड हमें पढ़ाया गया फर्स्ट पॉइंट में जीरो है, तो रिंग में से अगर छोटा सा हिस्सा उड़ा देंगे तो फील्ड सेंटर पे कितना होगा वो पढ़ाया सेकंड पॉइंट में, तो उसके लिए मैंने कंप्लीट किया को पहले दो टुकड़े डाल के, एक टुकड़ा डालते रिंग कंप्लीट हुई तो आंसर जीरो हो गया उसका, तो बाकी जो टुकड़ा मैंने माइनस वाला डाला उसका फील्ड बच गया। क्वेश्चन ये था ना सेकंड पॉइंट में कि रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट काट दोगे तो सेंटर पे फील्ड कितना होगा, ये क्वेश्चन था। ठीक है सर थैंक यू। ओके अब अगर हम रिंग का ग्राफ प्लॉट करें हाउ डज इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज, तो भैया सेंटर पे जीरो है हमें पता है, आर बाय रूट टू पे मैक्सिमम है, और उसके बाद एक ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक ऐसे ही नेगेटिव साइड में भी ग्राफ आ जाएगा सेम
माइनस आर बाय रूट टू पे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम रिंग के एक्सिस पर एक इलेक्ट्रॉन रख दें, भैया इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिव चार्ज उस पर फोर्स फील्ड के अपोजिट लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगी टुवर्ड सेंटर जशनप्रीत, और ये इलेक्ट्रॉन टुवर्ड सेंटर आएगा। ठीक है जशनप्रीत, फ्री हो जाए क्लास में पढ़ने के लिए। सर वो मम्मा आए थे एक मिनट पूछने के लिए। हाँ उनको भी बता दो, जानवी से है क्लास में, पर अब आप सिंसियरली बिहेव करो ना, क्योंकि जानवी आ गई है, अच्छा लगता है ऐसे इंस्पेक्शन वाले डेज ऐसे करें हम। चलो ठीक है जी, तो अब ये फोर्स कहाँ को लगेगी जशन, इलेक्ट्रॉन पे। यस उधर नेगेटिव है सर, ऑपोजिट चलेगी तो टुवर्ड सेंटर लगेगी। ठीक है यस, जब टुवर्ड सेंटर लगेगी तो ये इलेक्ट्रॉन सेंटर की तरफ आएगा, यहाँ पर आकर रुक नहीं पाएगा ड्यू टू इनर्शिया, आगे चला जाएगा, और अब जैसी आगे जाएगा तो फील्ड इधर है तो फोर्स लगेगी पीछे, रिटार्ड होकर रुकेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विल ऑसिलेट, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करेगा। अगर हम फोर्स देखें इलेक्ट्रॉन पे क्यू ई, ठीक है फॉर्मूला कल पढ़ाया था, एफ माइनस ई इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक केस लेते हैं, अगर एक्स आर से मच छोटा हो तो क्या होगा भैया, तो आप ऐसा करें इसमें डिनोमिनेटर में आर को रखें और एक्स को इग्नोर कर दें डिनोमिनेटर में, तो फॉर्मूला बनेगा के क्यू ई एक्स बाय आर क्यूब। तो आप देखिए फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गई, तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज एस एच एम प्रूव हो गया ये, और टाइम पीरियड इसका निकल जाएगा 2π मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ये सारा कोफिशिएंट आ जाएगा। मुझे अगर पता लगी ठीक है, चलो आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 7 ये कहता है, कल को अगर ऐसे रिंग आ जाए इतना पार्ट, ठीक है, और कोई कहे भैया इसका फील्ड बताओ एट सेंटर। देखो वैसे तो इसके लिए प्रॉपर डेरिवेशन चाहिए, और मैं स्टेप भी बता दूंगा डेरिवेशन, पर आप डेरिवेशन करना मत एग्जाम में, सीधा रिजल्ट दिमाग में रख लेना। ठीक है तो मानो ये अगर अल्फा एंगल हमें क्वेश्चन में दिया है, पहले आप क्या करना, मैं हिंट बता रहा हूँ, पहले आप एक छोटा एलिमेंट लेना, जैसे मैंने डेरिवेशन करी है, इस छोटे एलिमेंट की वजह से कहना फील्ड यहां पर लग रहा है, ये छोटा एलिमेंट मान लो थीटा एंगल पे है, फिर कहना भैया ये भी सेम छोटा एलिमेंट है, इसका भी ऐसी डीई आ जाएगा, नेट फील्ड दोनों का वेक्टर सम बीच में से पास कर जाएगा, ई नेट जो आएगा, और वो इंटीग्रेशन करना डीई को माइनस अल्फा बाय टू से लेकर अल्फा बाय टू, क्योंकि पूरा एंगल मैंने अल्फा दिया हुआ ना, तो ये लिमिट क्या बनेगी अल्फा बाय टू, और इसकी वैल्यू लिख कर के वही लैम्डा डीएल, ठीक है बाय आर स्क्वायर, जब इंटीग्रेट करोगे तो डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, सिर्फ स्टेप्स बताए आपको, अब आंसर डायरेक्ट दे रहा हूँ, वो आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय टू, ये आपका ई नेट का आंसर आ जाएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं फॉर्मूला को मैं बता देता हूँ। कल को ऐसा है विशाली, मानो एक क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हें कोई कहे क्वार्टर रिंग है, ठीक है, तो तुम्हें विशाली कोई कहे कि बताओ सेंटर पे कितना फील्ड है, तुम कहना सर ने मुझे पढ़ाया कि फील्ड पहली बात तो बाइसेक्टर से जाता है, ठीक है तो बाइसेक्टर से जाएगा यानी कि 45 डिग्री से, कंपोनेंट चाहिए तो अकॉर्डिंग कंपोनेंट भी लिख सकती क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट पहले सिखाए हुए हैं, और फील्ड की वैल्यू कहां से लाओगी, जो फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा है 2k लैम्डा बाय आर साइन 90/2, तो वो बन जाएगा साइन 45 रूट 2k लैम्डा बाय आर आंसर आ जाएगा। कल को क्वेश्चन फिर से आ जाए विशाली सेमी सर्कल का, वो कहें भैया आप बता दो, तुम कहना अब की बार एंगल 180 है तो फील्ड सेंटर से बाइसेक्टर से निकलेगा, और फील्ड की वैल्यू लिख देना 2k लैम्डा बाय आर साइन 180/2, जिसे साइन 90 कहते हैं,
यानी कि 2k लैम्डा बाय आर। फिर क्वेश्चन आ जाए कल को, वो कहें भैया ये आधी रिंग है पॉजिटिव की, ये एक और आधी रिंग है पॉजिटिव की, सेंटर पे फील्ड बताओ। तुम कहना देखो ऊपर वाले का आंसर नीचे पॉजिटिव, नीचे वाले का आंसर ऊपर, दोनों कट गए आंसर जीरो। और यही तो मेरा इसी टॉपिक का पहला पॉइंट था कि सेंटर पे फील्ड जीरो होता है कंप्लीट रिंग का, है ना। और इसी को फिर ट्विस्ट करते हैं, ये मैं अलग अलग ट्विस्ट ले रहा हूँ सीधा फॉर्मूला से। कोई कहे ये रिंग पॉजिटिव पार्ट है आधा, और आधी रिंग ये नेगेटिव पार्ट है, कि बोलो सेंटर पे फील्ड कितना है। तुमने क्या कहना है, तुमने कहना है पॉजिटिव का अपने से अवे और नेगेटिव का अपने टूवर्ड, दोनों सेम ही तरफ आ गए अब की बार तो, है ना दिनेश। यस सर। तो यानी कि अब की बार ई का आंसर लिख देना 4k लैम्डा बाय आर। 4k लैम्डा बाय आर क्यों लिखा पता लग गया? Yes, sir. इसका डबल कर दिए, ठीक है साक्षी चौधरी। Yes, sir. तो ये थे 7 वैरायटी के क्वेश्चंस रिंग को लेकर, ठीक है। अब आराम से इस पे गोले लगा लेना इस टॉपिक पे। अब हम चलते हैं आगे इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ने, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? ये होता है भैया टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये ऐसे हम दिखाते हैं डायपोल को, बीच की दूरी को 2a लेते हैं, क्योंकि यूजुअली हमें सेंटर से इसको टैकल करना पड़ता है। तो हम इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट परा करते होते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी वेक्टर, वो होगी कोई भी चार्ज और बीच की दूरी, ठीक है। यूनिट्स इसके कूलंब मीटर बन जाएंगे, ठीक है। और डायरेक्शन इसकी होती है पी वेक्टर की, बाय अजम्पशन मानी गई है नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। रियल लाइफ का डायपोल मेरे मन में आ रहा है HCl मॉलिक्यूल, H के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और Cl पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हमें किसी ने कहा ये -2 क्यों है, ये क्यों है और फिर ये क्यों है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है दो, नो राइट, और क्यू दिया गया से 1 कूलम। उन्होंने कहा नेट डायपोल बताओ सिस्टम की क्या होगी अगर ये एंगल 60 डिग्री है। मैं इसको तोड़ के देखूंगा क्वेश्चन को, मैं कहूंगा देखो -Q Q फिर -Q Q राइट। और अब मैं क्या देख पा रहा हूं जतिन यहां से कि अगर इसको पी बोल दूं, इसको पी बोल दूं, तो नेट मोमेंट दोनों के बाइसेक्टर से निकलेगी क्योंकि लाठियां बराबर है। इनके वेक्टर सम का फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया हुआ ऑलरेडी, 2p cos 60/2, ये पुराना फॉर्मूला सिखाया हुआ आपको, 2p cos 30 आ गया। p की वैल्यू क्या होगी, आइदर चार्ज इनटू बीच की दूरी, 10 सेंटीमीटर मीटर बना रहा हूं, चार्ज यहाँ 1 कूलम भी दिया हुआ है तो 0.1 कूलम मीटर p आ गया। यहाँ डाल दो इस p की वैल्यू, यानी कि p नेट का आंसर आ गया 2 × 0.1 × √3/2, ठीक है, यानी कि 0.1√3 कूलम मीटर आंसर आ गया। आई हो बात पता लगी, डायपोल कैसे पड़ा, डायपोल मोमेंट कैसे निकाला। दिनेश सर ये प्लीज दोबारा बता दो, पी जो आपने फॉर्मूला लगाया ऊपर 10/100 ये वाला, हाँ जी, पी का फॉर्मूला है ना चार्ज इनटू बीच की दूरी, चार्ज कितना है क्यू 1 कूलम, बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, यस सर, सेंटीमीटर के मीटर बना लिए, हाँ जी, ठीक है पता लगा, यस सर आप समझ लो, ठीक है जी। अब हम इस डायपोल को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल,
ठीक है जी। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है, इसका दूसरा नाम है टेन ए पोजीशन, और तीसरा नाम है इसका एंड ऑन पोजीशन, ठीक है जी। तो आप एक डायपोल देखें, ये कहलाएगी एक्सियल लाइन बिंदु ए, जो यहां से दूरी आर पे माना जा रहा है सेंटर से, ठीक है। तो हमें इधर फील्ड निकालना है, कैसे निकालेंगे बेसिक सीख लो एक बार भैया। प्लस क्यू का फील्ड अपने से अवे होगा, सिखाया था मैंने कल भी, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड अपने से अवे होता है। माइनस क्यू का फील्ड अपने के टुवर्ड होगा, नेट फील्ड दोनों का वेक्टर सम होगा, पर इनमें एंगल 180 डिग्री है, यानी कि अगर ई एट ए चाहिए तो वेक्टर तो प्लस होंगे पर वैल्यूज इनकी माइनस होने वाली है। उम्मीद है पता लग गया क्यों। ओके के क्यू, क्यू की दूरी कितनी है बिंदु ए से, आर माइनस ए, और माइनस क्यू उसकी दूरी कितनी है आर प्लस ए, ठीक है। सॉल्व करेंगे ई ए का आंसर आ जाएगा 2kpr बाय r स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये लो जी। पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वैल्यू के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन कैसे निकलेगी भैया। देखो वो तो क्लियर ही है, डायपोल बाय अजम्पशन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर दिखाई दे रहा है आपको, और इन दोनों में से डोमिनेंट फील्ड किसका होगा, प्लस के होगा क्योंकि पास है। तो नेट आंसर सिमरन इस तरफ आएगा ना, यस सर, यानी कि मैं कहूंगा ई ए वेक्टर जो है वो पैरेलल टू डायपोल मोमेंट आ गया है, क्योंकि डायपोल मोमेंट भी इधर है और ई ए भी इधर है, तो वेक्टर की वैल्यू भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है। इन्नी गल पता लगी। अच्छा, अब अगर ये आइडियल डायपोल हुआ तो क्या होगा, इफ आइडियल डायपोल। अब खुशबू कहती है आइडियल डायपोल कौन होता है, आइडियल डायपोल वो होता है खुशबू जिसको शॉर्ट डायपोल भी बोलते हैं, यानी कि जिसमें दूरी जहां फील्ड पड़ रहे हो वो बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू चार्जेस के बीच की दूरी से। तो यहां पर आप ए को निग्लेक्ट कर दें, ए को निग्लेक्ट करेंगे आर स्केयर का स्केयर आर फोर, ऊपर वाला आर कटेगा, ई ए का आंसर निकल के आ जाएगा 2kp बाय आर क्यूब, ठीक है जी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशंस आपको बोला चाहिए नहीं, थोड़ी सी दिखाता हूं बेसिक्स के लिए। अब बी बिंदु पे निकालने जा रहे हैं एट बिंदु बी, तो ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा ऑन, उसका नाम एक्सियल लाइन था, इसका नाम होगा इक्विटोरियल लाइन, या इसको बोलेंगे टेन बी पोजीशन, या इसको बोलेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। देखो ऐसे याद रखना बात को कि बी से ही ब्रॉड साइड वर्ड होता है तो याद रह जाएगा, और ए से ही टेन ए एक्सियल और टेन ए, तो इससे मैच हो जाता है ये। अब बिंदु बी पर देखना है तो भैया बेसिक्स लगाऊंगा मैं, तो फिर से प्रिंसिपल सुपरविजन से मैं कहूंगा देखो प्लस क्यू का फील्ड अपने से अवे, ये आ जाएगा प्लस क्यू का, माइनस क्यू का फील्ड अपने टुवर्ड, और क्योंकि दोनों फील्ड वैल्यू में बराबर है तो नेट फील्ड निकलेगा इनके बाइसेक्टर से, है ना, ये आ जाएगा ई बी बाइसेक्टर से। तो ई बी कैसे निकलेगा, 2e चाहे प्लस q चाहे माइनस q वैल्यू में तो सेम ही है, इनके बीच का एंगल देखो भैया बीच का एंगल कैसे निकलेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, ये भी थीटा आएगा और ये भी थीटा आएगा, तो इनके बीच का एंगल हो गया 2θ/2, और e की वैल्यू k q / दूरी
अब की बार ये आ रही है, ये पाइथागोरस से निकलेगी, ये आर स्केयर प्लस ए स्केयर का रूट, तो दूरी का स्केयर होगा तो अब रूट नहीं आएगा, कॉस थीटा वो होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टू ए क्यू का नाम पी है, तो ई बी का आंसर आ गया के पी बाय आर स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर 3/2, ठीक है जी। और अब की बार एंगल देखें तो ई बी डायपोल मोमेंट के साथ 180 डिग्री बना रहा है, कहां दिख रहा है डायपोल मोमेंट, इधर को है देखो, दिस वे एरो लगा हुआ है, एरो लगा ना पी वेक्टर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को, कितना एंगल हो गया 180। अच्छा अगर ये आइडियल डायपोल हुआ तो फिर क्या करेंगे, यहां से ए को निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि ई बी का आंसर कितना आएगा के पी बाय आर क्यू, तो मैं कह सकता हूँ आइडियल डायपोल में एक्सियल लाइन का आंसर ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन होता है, बोलो ओके। यस सर। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगला डेरिवेशन, आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ शॉर्ट डायपोल, ठीक है। तो ये डायपोल लिया, इसके आर्बिट्ररी पॉइंट पे यहां पर हम नेट फील्ड निकालने जा रहे हैं, कैसे निकलेगा रूबल, पहले P वेक्टर इधर को है, इसका कंपोनेंट पकड़ो, इधर आएगा P कॉस, इधर आएगा P साइन, बोलो ओके रूबल। यस सर। मैं बोलता हूं C बिंदु P कॉस की एक्सिस पे लाई कर रहा है, दिख रहा है? यस सर। का मतलब एक्सिस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होता है जिधर को डायपोल मोमेंट होती है, और वही सी बिंदु पी साइन की इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है, और इक्वेटोरियल पे एंगल 180 होता है आयुषी ठाकुर, ठीक है, ऐसे ही है। yes, sir. अब ये दोनों फील्ड 90 डिग्री पर है, तो नेट फील्ड निकलेगा इनका वेक्टर सम, है ना, तो भैया नेट फील्ड अगर वेक्टर सम आएगा तो क्या करना है मुझे, पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, है ना। अब P cos कितना है, वो होगा 2KP cos by R cube, शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला भी पढ़ा ही था, ये कौन है KP by R cube, और साथ में साइन आएगा क्योंकि P साइन की वजह से है, तो मुझे लगता है यहां से आप केपी बाय आर क्यूब तो बाहर ही रख लो, ठीक है, इसका स्केयर करोगे 2 का स्केयर 4 कॉस स्केयर, और उधर क्या आएगा साइन स्केयर, तो कॉस स्केयर साइन स्केयर 1 होता है, तो इसका मतलब 4 में से बचेगा 3 कॉस स्केयर, तो आपका आंसर बचा 1+3 कॉस स्केयर थीटा, ये आ गया जी वैल्यू। अब आपको चाहिए डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए लेट दिस एंगल बी अल्फा, तो टेन अल्फा कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि KP साइन बाय आर क्यूब ओवर 2KP कॉस बाय आर क्यूब, यानी कि ये बनेगा टेन अल्फा का आंसर हाफ टेन थीटा। पर खुशबू कह रही है सर मेरे को तो डायपोल मोमेंट और फील्ड में एंगल चाहिए, तो डायपोल मोमेंट तो इधर है, फील्ड से एंगल चाहिए, तो भैया इस लाइन को पीछे ले आओ, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो डायपोल मोमेंट और फील्ड में एंगल बीटा आएगा, तो बीटा बिटवीन पी एंड ई वेक्टर, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा अल्फा प्लस थीटा करके। जैसे एक क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए, उन्होंने कहा ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये डायपोल है छोटा, राइट, उन्होंने बिंदु सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2.2√2 मीटर, और कहा बताओ बीटा कितना है बिटवीन
पी एंड ई वेक्टर। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लाइन को ज्वाइन करें, ठीक है, और टेन थीटा निकालें। टेन थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, रूट टू आ गया। फिर आप टेन अल्फा निकालें, वो आएगा हाफ टेन थीटा, यानी कि वन बाय रूट टू। अब बीटा जो होना है वो होना है ये एंगल बीटा होना है, जो कि अल्फा प्लस थीटा आएगा, पर मैंने ड्राइंग में सीधा 90 डिग्री बना दिया। तो अक्षिता कहती है सर 90 कैसे बना दिया, मुझे जरा बताओ, क्योंकि अक्षिता टेन थीटा और टेन अल्फा के आंसर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब दो आंसर टेन के रेसिप्रोकल होना तो उन एंगल्स का सम 90 होता है। आप कहोगे क्यों, हम नहीं मानते। देखो अंकुर, टेन 30 बताओ कितना होता है अंकुर, 1/√3, और टेन 60 कितना होता है, रूट थ्री। देखो आंसर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और इनका एंगल्स का सम कितना आ रहा है बताओ, 90। यही मैंने कहा कि जब 10 के आंसर रेसिप्रोकल हो तो एंगल्स का सम क्या बन जाता है, 90। तो मैंने क्यों 90 लिखा पता लगा? यस सर। हो गया क्वेश्चन ये, तान्या भारद्वाज समझ आ गया आपको सवाल? यस सर। ठीक है जी, अब तान्या मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, तो अब आप क्या करें, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है जसलीन? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बिल्कुल सही, इसलिए मैंने कुछ पॉजिटिव बना ही दिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिख जाए। ये डायपोल बनाया है थीटा एंगल पे माइनस क्यू क्यू। भैया ऐसा है, माइनस क्यू को फोर्स लगेगी टुवर्ड पॉजिटिव साइड क्यू ई नाम की, और प्लस क्यू को लगेगी टुवर्ड नेगेटिव साइड क्यू ई नाम की। आप देख रहे हैं दोनों फोर्सेस इक्वल है। यस सर। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो आ जाएगी, कोई शक की बात नहीं। पर इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ये फोर्सेस कपल क्रिएट करेंगी, टॉर्क लगवाएंगी। यस। बट कपल एक्ट्स, और कपल का टॉर्क हमने फॉर्मूला पढ़ा था आइदर फोर्स रोटेशनल मोशन में, प्रूव कर दिखाया था ये, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स आएगी क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच का ये, अगर ये 2a है तो 2a साइन थीटा आएगा, तो 2a साइन थीटा, और 2a क्यू क्या कहलाता है, p। तो टॉर्क का फॉर्मूला बना PE साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो P क्रॉस E। ठीक है जी, अब ये तब है अगर फील्ड यूनिफॉर्म है। अब इसके ऊपर नोट्स, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहला नोट यही लेते हैं, अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता, इफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और मुझे लगता है बेस्ट एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का, पॉइंट चार्ज का फील्ड बना लेते हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज का फील्ड नॉन यूनिफॉर्म ही होता है, ऐसा होता है ना? यस सर। यस सर। तो अब आप एक डायपोल को ऐसे रखें माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, तो क्या होगा, माइनस के ऊपर फोर्स इधर स्ट्रॉन्ग, प्लस के ऊपर फोर्स इधर वीक, नेट फोर्स टुवर्ड द चार्ज लग रही है, इसका मतलब नेट फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, पर क्योंकि फोर्सेस सेम लाइन ऑफ एक्शन पे है तो टॉर्क नहीं दे पा रही है, नेट टॉर्क जीरो, केस चेंज। अगर यही ऐसे पड़ा होता डायपोल यूं करके, अब क्या होता, इस पर फोर्स इधर लगती है F1,
इस पर फोर्स इधर लगती है F2, ठीक है। और अब की बार मैं देख पा रहा हूं कि नेट फोर्स तो लगी रही है, उसके अलावा नेट टॉर्क भी लग रहा है, ठीक है। इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होता है, फोर्स तो लगती लगती है, टॉर्क लग भी सकता है विशाली शर्मा और नहीं भी लग सकता, ठीक है। सिमरन ज्योत कौर, यस सर, ठीक है जी। अब मैं बढ़ता हूं आगे, रूहानी मनकोटिया, यहां तक बात समझ आ गई? यस, ठीक है जी। आज पर अच्छा लग रहा है कि बैच में काफी ज्यादा बच्चों ने वीडियो ऑन किए हैं, गुड लग रहा है ये बात। चलो, दीपांशु भी आज वीडियो ऑन कर है, दैट इज गुड। आकाश ने भी अच्छा आकाश दिखाया था शुरू में। चलो, अभय राठौर बढ़े आगे। यस सर, ठीक है। अगला नोट, नोट नंबर टू। अगर थीटा 90 डिग्री हो, मतलब कि डायपोल में साइन 90 तो 1 ही होता है, टॉर्क मैक्सिमम लगेगा, कितना लगेगा, पीई, कोई शक की बात नहीं है, है ना। फिर अगर थीटा 0 डिग्री हो, जरा ड्राइंग भी बना दूं अब 0 डिग्री के लिए, भैया ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और डायपोल ऐसे पड़ा है, तभी बनेगा ना 0 डिग्री एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड जसलीन ने बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो आप देखो यहां पर प्लस के सामने माइनस है, माइनस के सामने प्लस है, ठीक है। तो ये फोर्स ऐसे दे रहा है, ये फोर्स ऐसे दे रहा है, नेट फोर्स जीरो थी ही, नेट टॉर्क भी जीरो है क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन पे है, तो टॉर्क जीरो आ रहा है। और देखो प्लस के आगे माइनस है, माइनस के आगे प्लस है, तो बिल्कुल हैप्पी है, तो इसको बोलते हैं हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में मेरे को एक पुरानी नॉलेज याद आ रही है वर्क एनर्जी पावर में, कि पोटेंशियल जी मिनिमम हुआ करती थी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, पर रूबल कहती है सर पोटेंशियल जी डायपोल की तो आपने हमें पढ़ाई नहीं है। बिल्कुल ठीक है रूबल, मैं काम करता हूं पहले आपको पोटेंशियल पढ़ाता ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा वर्क डन से बातें की हैं। तो भैया आप कहोगे वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल, अगर डायपोल घुमाना पड़ गया तो वर्क कितना होगा, वो होगा टॉर्क डी थीटा, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल। अब टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा पता ही है हमें, है ना, और थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल, तो भैया वर्क डन ही चेंज इन पोटेंशियल जी होता है, और साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, तो मैं कहूंगा वर्क डन मेरे द्वारा इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट डेल्टा यू। ये देखो सारी बातें वर्क एनर्जी पावर में भी सिखाई है, ऐसी एक्सटर्नल का वर्क कंजर्वेटिव के खिलाफ डेल्टा यू माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल बन के आएगा। अब मैं क्या समझा यहां से, मैं समझा वर्क का फॉर्मूला, पोटेंशियल जी के चेंज का फॉर्मूला, और आपको याद होगा मैं हमेशा डिराइव पोटेंशियल चेंज ही करता हूं क्योंकि वही एब्सोल्यूट होता है। फिर पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए मैं एक एजम्पशन लेता होता हूं कि जब थीटा 90 था यू इनिशियल जीरो मान लो, थीटा फाइनल थीटा है यू फाइनल को यू मान लो, तो यू का फॉर्मूला बन के आता है माइनस पी ई कॉस थीटा, या कहो माइनस पी डॉट ई। लो भैया ये फॉर्मूला आपका बनाया मैंने पोटेंशियल जी का, यानी कि मैं ये कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस कॉस का ग्राफ फॉलो करती है, दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल जी, जबकि टॉर्क किसका ओबे कर रहा था, साइन का, टॉर्क ने ग्राफ साइन का ओबे किया था। फर्क पता लगा बच्चों? वापिस आता हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा 0 डिग्री है, तो आंसर क्या आएगा पोटेंशियल जी का, माइनस पीई, है ना, तो मिनिमम आ गई ना माइनस पीई। और अब स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर हम इसको जैसे ये यू पड़ा है हल्का सा हिलाएं तो
होगा क्या, इस पर दोबारा टॉर्क लगेगा, ये यहाँ आएगा, रुक नहीं पाएगा और हिलेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। पूजा वर्मा कह रही है सर हमने तो अपनी लाइफ का 2 साल ऐसे ही काटा है प्रसन्न दृष्टि में, टीचर पढ़ाता रहता था, हम पेन लेके यूं करते रहते थे, तो क्या हम डायपोल का न्यूमेरिकल करते रहते थे बैठ के? बिल्कुल सही है पूजा वर्मा, यही तो करते हैं आप क्लास में, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, है ना? तो ये डायपोल ही है जो क्या कर रहा है, इफ डिस्टर्ब्ड स्लाइटली, बोलो जी क्या करेगा ये? इट विल ऑसिलेट। और इसी में स्पेशल केस लिखते हैं, अगर मतलब स्लाइटली भी बहुत छोटा हो, ठीक है, तो इफ एंगल इज स्मॉल, स्लाइट काफी स्लाइट हो, तो ऐसे में साइन थीटा को थीटा लिख के रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस पीई साइन थीटा, जिसको लिखेंगे माइनस पीई थीटा, तो मैं कहूंगा इट इज एसएचएम। बोलो ओके सर। माइनस क्यों लिखा है? रीस्टोरिंग की वजह से। अच्छा ठीक है, तो टाइम पीरियड बन जाएगा 2πi/c होता है ना, लो भैया, और i याद दिला दो यहाँ पर डायपोल को रॉड की कैटेगरी में लेकर चलना, ml स्क्वायर बाय 12, ठीक है? यस सर। अच्छा, अगर थीटा हुआ 180 डिग्री, 180 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, डायपोल में भी आपने प्लस यहां रख दिया माइनस यहां रख दिया, भैया प्रॉब्लम क्या हो गई, आमने सामने लाइक चार्ज आ गए, तो फिलहाल तो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, मतलब टॉर्क तो नहीं लगा पा रही वो इस सिचुएशन में, टॉर्क तो अभी जीरो है, पर ये हैप्पी नहीं है क्योंकि पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव बैठा है, तो यानी कि ये कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है? पोटेंशियल जी अब आएगी मैक्सिमम कितनी, प्लस पीई, है ना, यहीं से एंगल 180 उठा लो ना, इस जगह से 180 cos 180 माइनस 1 होता है, तो प्लस पीई आ जाएगी। उम्मीद है बात पता लगी बच्चों? Yes, sir. अच्छा जी, अब आपको डायपोल को लेकर सारा ज्ञान हो गया, कैसा कैसा डायपोल बिहेव करता है, क्या स्थिति है सारी, पोटेंशियल जी का फॉर्मूला पता लग गया, वर्कडन का फॉर्मूला पता लग गया, ठीक है? तो अब आपको कहां ले चले, सबसे पहले तो होमवर्क की तरफ, कि आज का होमवर्क क्या करोगे आप? आरपीएस निकाल दूंगा एक मिनट भाई, ऐसा है कल आपने की थी आरपीएस 1 ना, तो आरपीएस 1 आपकी हो गई ट्राई, आरपीएस 2 आज कर ले, ठीक है जी, कल को दोनों डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है? आरपीएस 3 के भी क्वेश्चन नंबर 1, 2 10 हो जाएंगे, ये कर लीजिए आप, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी तो कल ही करूंगा शुरू, आज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। असाइनमेंट क्या बता दूं? यस सर। असाइनमेंट ना आपकी एक पार्ट है फोर्स एंड फील्ड के नाम से, ठीक है?
ए वाली हो जाएगी, ठीक है जी। ये मैं वैष्णव भी कभी भेज देते हैं। लो जी दूसरे बैच को भेज दी मैंने मार्किंग करके होमवर्क। हाँ जी आपको पता लग गया बच्चों होमवर्क क्या करना है? यस सर। असाइनमेंट फोर्स एंड फील्ड वाली पूरी हो जाएगी, ठीक है। आइए जी अब आपको ले चल रहा हूं मैं आगे कहां भला। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, ठीक है। ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। देखो क्या है, ये ना इमेजिनरी लाइंस हैं, खुशबू बेटा जितना कराया समझ आ गया? यस सर। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपके फेस पे, कि डाउट लग रहा था मुझे। ये देख लो, सबसे पहले डेरिवेशन कराइए बेटा आज, ठीक है, क्लियर है? यस सर। फिर बेटा इसके ऊपर 7 वैरायटी के क्वेश्चन कराए हैं, देख लो। यस सर। ये 7th वैरायटी है, यस सर। फिर डायपोल पढ़ाया, डायपोल कहते हैं किसे हैं? यूनिट्स, डायरेक्शन, क्वेश्चन उसका। यस सर। फिर डायपोल के फील्ड पढ़ाए दो जगह, एक एक्सियल लाइन पर, एक इक्विटोरियल पर। सर इसमें आपने बताया था ना कि डायपोल किस तरफ स्ट्रांग होगा? नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था ए बिंदु पर अगर आपको फील्ड निकालना है नेट, तो आपको तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही लगाना है। हर एक चार्ज का अपना अपना फील्ड लोगे और वेक्टर सम करोगे, तो प्लस क्यू के, क्योंकि ए बिंदु क्लोज है तो प्लस क्यू का फील्ड डोमिनेंट होगा, माइनस क्यू का फील्ड कमजोर होगा। नेट फील्ड दोनों का वेक्टर सम करेंगे पर एंगल 180, इसलिए ये ई आंसर आ गया नेट, क्योंकि ये बड़ा फील्ड है। ये बड़ा क्यों है? क्योंकि ये पास पड़ा चार्ज। पता लगा? यस सर। स्टिल डाउट है तो पूछ लो भी। देखो क्लैरिटी हुई है, पर बड़ा क्यों है? नेट आंसर इधर को क्यों आया? क्योंकि इसकी लाठी बड़ी है तो भैंस इसी के पाले में आई ना, नेट आंसर यही आएगा। यस सर। हाँ जी इस पेज पे डाउट बचा कोई? नो सर। ये देखो जी, रुबल जी कल समझ नहीं आई, दोबारा बोले एक बार फिर से समझा दो।
हाँ जी, कहाँ से जी? ये वाला जी? Yes, sir. देखो, P के पहले कॉम्पोनेंट लिए, P cos और P sin. मैंने कहा C बिंदु P cos के एक्सिस पे लाई करता है जी, ठीक है, और P sin के इक्विटोरियल पे लाई करता है जी. तो एक्सिस पे एंगल 0 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ा था, ये देखो, और इक्विटोरियल पे एंगल 180 डिग्री होता है. तो इसलिए P cos का फील्ड 0 डिग्री पे बन गया और P sin का 180 पे बन गया, ठीक है. नेट फील्ड दोनों का वेक्टर सम आ गया पाइथागोरस से. सॉल्व करा, ये आंसर आया. अब फील्ड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी चाहिए हमें. डायरेक्शन के लिए हमने टैन अल्फा निकाला, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, डिवाइड किया 1/2 आ गया. और अगर हमें एंगल पी और ई में चाहिए, ये है ना ई, ये पी है, तो पी और ई में एंगल बीटा होगा. बीटा कैसे निकलेगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, तो अल्फा प्लस थीटा आ गया. देखो रुबल जी, पता लगा? यस सर. ठीक है, और देखें जी, कोई क्वेरी आ रही हो मन में तो पूछ ले. आश्मीन कौर, सारी क्लैरिटी है? यस सर. खुशबू, चले आगे, क्लियर है? यस सर. ठीक है जी, लो जी, अगला पेज देखें. सृष्टि शर्मा. यस सर. पता लग रहा है जो पढ़ा रहे हैं? यस सर. ठीक है, क्लियर है बच्चों पेज? यस सर. जी आ गया जी पेज 8. देखो ये भी क्लियर है. यस सर. ठीक है जी, तो आइए फिर मैं आगे ले चलूं आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं? ये होती हैं इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन अलोंग पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज, ठीक है, व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब दिग्विजय का कहना है, क्या मतलब है इसका? देखो दिग्विजय, एक प्लस क्यू मानते हैं, आपने यहां पे टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, प्लस क्यू इसको ऐसे धक्का देगा, इधर रखोगे टेस्ट चार्ज तो ऐसे धक्का देगा, मतलब जिधर भी रखोगे वो उसको रिपेल करके दूर भेज देगा. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी मैंने. ऐसे ही अगर चार्ज नेगेटिव होता तो ये टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचता, तो इससे मैं बोल पा रहा हूं कि फील्ड लाइंस जो है, एक तो इनकी टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देती है, तो डेट मीन्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, है ना, क्योंकि वरना एक जगह पे दो फील्ड आ जाते, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये घटना संभव नहीं है. अच्छा, इसके लिए रेडियल आउटवर्ड बनी पॉजिटिव चार्ज के लिए, और नेगेटिव के लिए कैसी बनी? रेडियल इनवर्ड्स. पता लगी जी बात? उसके बाद देखो ये शुरू कहां से हुई है, पॉजिटिव चार्ज से, और इस एग्जांपल देखो तो इन्फिनिटी से आ रही है, इसका मतलब स्टार्ट कहां से होती है? फ्रॉम पॉजिटिव क्यू और इन्फिनिटी. और टर्मिनेट कहां होती है? देखो या तो माइनस के ऊपर टर्मिनेट हो रही है या ये वाली इन्फिनिटी पे जा रही है, तो माइनस क्यू या इन्फिनिटी. आई होप बात पता लगी.
उसके बाद अगर फील्ड लाइंस कहीं पास पास है, जैसे ई बी बिंदु और ये ई बिंदु, तो जहां दूर दूर होती है वहां फील्ड कमजोर होता है, जहां पास होती है वहां फील्ड स्ट्रांग होता है। पता लग गया? ओके बच्चों। यस सर। यस सर। नेक्स्ट। तो ये वाला दोबारा। हाँ जी बोले। ये वाला ई वाला। जहां पर फील्ड लाइन पास होती है वहां फील्ड स्ट्रांग होता है, जैसे स्ट्रीम लाइन फ्लो में होता था इंग्लैंड। हाँ बोले बोले। जो ई बी है उसमें ज्यादा होगा क्योंकि वो पास है। हाँ फील्ड लाइनें पास है। अच्छा। ठीक है। ये वाला दूर है। हाँ दूर है। ओके। फिर अगर इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस हो, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, तो वो यूनिफॉर्म फील्ड को दिखाती हैं। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बना रहा था। अब बताओ ये फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नॉन। अंकुर सर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन बदल रही है, देखो करके, है ना? यस सर। ई की वैल्यू तो फिक्स्ड है, यस सर, पर ई वेक्टर वेरिएबल है, नहीं? यस सर। यूनिफॉर्म नहीं है ये। ठीक हो गई बात? यस सर। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप, क्लोज लूप नहीं बनाती, क्योंकि मैंने बोला पॉजिटिव से शुरू हुई नेगेटिव पे खत्म हुई है ना, तो ये बात है। उसके बाद जो फील्ड लाइंस हैं वो प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे Q1 है, मैं कहूं यहां से 18 लाइनें निकल रही हैं, ठीक है, ये Q2 है, यहाँ पे 6 लाइनें आ रही हैं, तो मेरा सवाल है Q1 बाय Q2 कितना होगा? बोलो। बोलो भाई। आश्विन और पहले बताओ Q1 का साइन क्या होगा? सर पॉजिटिव। और Q2 का? नेगेटिव। अब Q1 बाय Q2 बताना है। 3 होगा। हाँ 3 होगा, बिल्कुल ठीक। अगला ज्ञान, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, देखो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है जब चार्ज चले ना, ठीक है, अगर चार्ज नहीं चलेगा तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, क्यों? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो चार्ज पे फोर्स लगेगी, चार्ज चल पड़ेगा, जबकि हम चैप्टर किस क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज एट रेस्ट। तो मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो परपेंडिकुलर टू मेटल सरफेस होता है। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे दो फायदा ये होगा कि जो फील्ड लाइंस हैं वो मेटल के सरफेस को जब भी छूती हैं रेडियली टच करती हैं, हैं एंड कांट एग्जिस्ट, साथ में एग्जिस्ट नहीं करती इन मीट ऑफ मेटल, मेटल की बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करती। अब अनन्या शर्मा के लिए क्या मतलब? अनन्या क्वेश्चन से दिखाता हूं, ये मेटल का सफियर है अनन्या, एक
दो तीन और चार, चारों में से एक लाइन ठीक है, बताओ कौन सी? फोर्थ वाली। थर्ड फोर्थ फोर्थ सेकंड। आयुषी ठाकुर सर सेकंड। आयुषी ठाकुर मैंने दो बातें कही थी, पहली बात तो मेटल के अंदर नहीं होती, तो पहला तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा कहा था मेटल के सरफेस पे रेडियल होती है, क्या ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? आयुषी ठाकुर क्या एंगल 90 डिग्री दिख रहा है? नो सर। ये भी गलत हो गया ना, फिर तीसरे में 90 है पर अंदर आ गई, तीसरा भी गलत हो गया, तो तीन का आंसर ठीक था, चौथा आएगा। ठीक है यस सर। चलो अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी क्या है? दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली एंड एक्सपैंड लेटरली। इससे शो करती हैं कि लाइक चार्ज रिपेल होते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ये निकलेगी यहां से तो यूं जाएंगी, क्योंकि पॉजिटिव से निकल रही हैं, तो इस करके क्या शो कर रही हैं? ये रिपल्शन, और ऐसे श्रिंक हो रही हैं, क्योंकि अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्शन, तो ऐसे श्रिंक हो रही हैं, यूं फैल रही हैं। आई होप बात पता लगी। यस सर। चलो मैंने अब समझा दिए, अब आप इनको एक बार सिनॉप्सिस से खुद पेन डाउन करना, ठीक है, और फिर बाकी रिमेनिंग एक दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं, फिर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो होमवर्क में इसको पेन डाउन करना खुद से, ठीक है बच्चों? सर 10th पॉइंट दोबारा बता दो। आप यूं समझो, लाइंस जा रही हैं, उनको यहां से यूं दबाओ तो ऐसे फैल जाएंगी ना? यस सर। इसका मतलब लेटरली एक्सपेंड करती हैं, और लॉन्गिट्यूडनली क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट, जिससे क्या शो करती है कि लाइक चार्ज, देखो निकली कहां से? प्लस से, तो ये रिपल्शन शो कर रही है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, और अनलाइक अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए ऐसे श्रिंक हो रही है। ओके सर। तो लगा? यस सर। ठीक है। आओ जी। हां जी सर, ये जो 9th पॉइंट था, इसमें आपने लिखा था ना फील्ड लाइंस रेडियली वाली, वो वाली बता दो लाइन। रेडियल का मतलब होता है सरफेस के राइट एंगल पे, ये देखो सरफेस से राइट एंगल है ना? हां जी ठीक है ठीक है, रेडियल, ठीक है हां जी। आओ जी आज की क्लास की फोटोज लो। ये वन हो गया, ठीक है, टू सर वन दिखाना, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सर एट दिखा दो, सर सिक्स बताना प्लीज। सर फोर्थ बता,
ठीक है तान्या सर। ये नाइन है जी। ये टेन है जी। होमवर्क में किसको पेन डाउन करना है, ग्रेविटेशन रिवाइज कर लेना। कल की क्लास सारी ग्रेविटेशन की कॉपी बनेगी, तो वो सारा रिवाइज करके रखोगे, जल्दी चीजें पकड़ में आ जाएंगी। कॉपियां रखी है ग्रेविटेशन वाली कार्तिक के? रखी है। ठीक है जी। टेन हो गए, बस टेन ही थे आज। ठीक है जी, ओके बच्चों, बाय बाय, कल मिलेंगे। ठीक है।